गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर 11 करवा रही हूँ और चैप्टर का नेम है ऑलवेज बी सेफ। ऑलवेज बी सेफ मीन्स हमेशा सुरक्षित रहो, ठीक है। सेफ मतलब सुरक्षित होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले एज नंबर ओपन करना है 16। पेज नंबर 16 में देखिए क्या है। पेज नंबर 16 में है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेफ्टी रूल। सबसे ऊपर क्या लिखा है आपका, सेफ्टी रूल्स। ओके, सेफ्टी रूल्स मीन्स सुरक्षा के जो नियम होते हैं जो हमको सेफ रखते हैं। तो यहाँ पे बुक ओपन कीजिए, यहाँ देखिए सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू कीप सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। मतलब जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमको सेफ रखते हैं और जो एक्सीडेंट होता है उसको रोकते हैं। ओके, वी ऑल मस्ट नो द बेसिक सेफ्टी रूल्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। मतलब जो बेसिक रूल्स होते हैं सेफ्टी रूल्स, वो हम सभी जानते हैं और ये हमको क्या करते हैं, हर्ट होने से मतलब परेशान होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए सेफ्टी एट होम, उसके बाद हम देखेंगे सेफ्टी सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम मतलब क्या होता है, घर होता है। तो घर में हम कैसे सेफ्टी रखेंगे, बुक देखिए यहाँ पे पिक्चर दी गई है, इसमें अच्छे से समझ सकते हैं आप। फॉलो दी सेफ्टी रूल्स एट होम, मतलब घर में हमको ये सारे रूल्स फॉलो करने, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है डू नॉट जंप ऑन चेयर बेड और सोफा। मतलब हमको चेयर में बेड में सोफा में जंप नहीं करना है। जंप करना मतलब कूदना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स नीडल्स सीजर्स एट्सेट्रा। मतलब हमको जो ऐसी चीज़ें होती है धारदार चीज़ें, उनसे नहीं खेलना है, जैसे कि ब्लेड्स हो गई, नीडल्स हो गई, नीडल्स में सुई होता है, सीजर्स मतलब कैंची, इन सब से नहीं खेलना, ठीक है। जिनमें क्रॉस के निशान लगे उनमें वो चीज़ें नहीं करनी आपको। नेक्स्ट देखिए डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू इलेक्ट्रिक शॉक्स। मतलब जो आपका जो फिंगर है उंगली है उसको आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं उनमें नहीं डालना है उसके अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको करंट लग सकता है। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विथ फायर। फायर मतलब क्या होता है, आग होता है, तो आपको फायर के साथ नहीं खेलना है, आग के साथ नहीं खेलना है। ओके, पेज टर्न करेंगे, यानी कि सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में आपको किस तरह की सेफ्टी रखनी है, ठीक है, क्या नहीं करना है आपको, फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। स्कूल में आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, फर्स्ट देखिए डू नॉट रन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आपको दौड़ना नहीं है। नेक्स्ट है सिट प्रॉपरली ऑन योर चेयर, आपको अपनी कुर्सी में अच्छे से बैठना है। नेक्स्ट है डू नॉट स्पीक लाउडली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आपको जोर जोर से नहीं बोलना है। नेक्स्ट है शेयर थिंग्स विथ योर क्लासमेट्स। मतलब इसका मतलब है कि जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है, ठीक है। के ये जो टिक लगे हैं ये आपको करनी चाहिए और जो क्रॉस है वो आपको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी एट द पार्क। सेफ्टी एट द पार्क, पार्क में आपको क्या नहीं करना है, फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स एट द पार्क। पार्क में आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, देखिए फर्स्ट है डू नॉट पुश ईच अदर इन द पार्क। पार्क में आपको क्या करना है, एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। टेक टर्न्स ऑन द स्लाइड, और जो स्लाइड होती है इसमें आप अपनी बारी का इंतजार करना है, धक्का मुक्की नहीं करना है जिससे कोई गिर जाए, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं पार्क में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ओके, तो आपको अभी इतना ही करना है, इतना आपको अच्छे से रीड करना है। तो आज का आपका होमवर्क है आपका रीड
11, ओके, ये आपको रीड करना है।